जी तो नाज़रीन, आज काशिफ अब्बासी के शो में जो गेस्ट हैं वो आमिर इलियास राना और इरशाद भट्टी हैं। और काशिफ अब्बासी ने और इरशाद भट्टी ने अच्छी वाली क्लास ले ली आमिर इलियास राना की, तो इनकी क्या गुफ्तगू हुई, आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। बात है कि सारा कुछ अब घर बैठे हो भाई, उन्होंने जीतना है, उनकी है। किसने जीतना? अब महबूब कायद ने एमक्यूएम भी ले ली, महबूब कायद ने बाप भी ले लिया, महबूब कायद ने लोटे भी ले नहीं, लिया, महबूब दैट्स अ कायद ने सर। डिसएडवांटेज। एक सेकंड एक सेकंड, एमकेएम इज एन एडवांटेज, चलो बाप इज ऑल्सो एन एडवांटेज। एडवांटेज है, अपनी सीटें देनी पड़ रही है उन लोगों को एडजस्ट करने के काफ भी लिए। है। एक एक बात सुनिएगा। दूसरा देखिए, ये सारी एडजस्टमेंट जो है ना, इसका ये लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में मुस्लिम लीग उनको नुकसान है, ये उनके फायदे की चीजें नहीं है कि अगर आप सोचें कि उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा, ये उनको नहीं पता, खासकर ये जो आपको पता है ये उनको नहीं पता। खासकर मेरी बात सुनिए, ये उनको नहीं पता। इस माहौल में कहा जा रहा था बल्ला नहीं होगा, बल्ला आ गया है, बंदे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, अब तो मुकाबले होंगे। सो ये तो उसके खाते में थे ना, ये सारी एडजस्टमेंट है कि सर और तरीके साहब से होगी नहीं, तुम दसो आपस ही कर रल मिल के ज्यादा सीट। यही बात है ना आमिर साहब के, इसमें कुछ आप डिसएग्री करते हैं? देखिए, अब मैं जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी वो जाहिर है इनकी राय है, पर मेरे सवाल का जवाब दें कि ये उस माहौल में ये सारी एडजस्टमेंटें ठीक थी, अगर बल्ला ना होता, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना हुए होते, मुकाबले के कैंडिडेट ना होते, अब तो सारे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए, बल्ला आ गया, अब आपको लगता है कि ये नुकसानदेह है ये एडजस्टमेंट? देखिए मैं बताऊं, नुकसानदेह और उस चीज़ों में नवाज शरीफ रोटी को चोची नहीं कहते, उन्हें पता है कि मुझे क्या निगलना उगलना मुश्किल है, ये इसीलिए बहुत सारी चीजों पता को हर बार जो करो, फिर भी नहीं देखें वहां पे आप जब जाते हैं ना उस पे, उसको जिसको आप कहते हैं कि हर बार होता है, फिर आप उसको डेमोक्रेट भी कहें कि वो नहीं करता उस बात पे कंप्रोमाइज जो बात आप इशारे में कह रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए कल और बिलावल साहब के इंटरव्यू में कहा ये राइट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो जो मर्जी, मतलब ये जो कहता था कि मुझे कर कोई कहे मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, कहा था ना इमरान खान ने, क्या किया? तो ए भी थे कहते सर, इन्होंने जब भी किया आपके सामने, इन्होंने 99 कोई नहीं खड़ा होता, 99 में उड़ाया सामने, उड़ गए, डील करके आ गए ना। एक मिनट, हम सर डील करके आ गए, आपको डील क्या करनी पड़ी? वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि वोट मैटर करे? यहाँ पे वोट मैटर कर रहा है, हम सारे वोट की इज्जत 8 तारीख को निकलेगी, ये जितने बहादुर है ना 8 फरवरी को अपने अपने वोटर को लेके पहुंचे, आपको जवाब मिलेगा आईपीपी का। नहीं, दिस इज नॉट द पॉइंट। देखिए, अगर आपका वोटर नहीं है और आपके वोट निकल आते हैं फिर मसला होता है, तो फिर ही मसला यही होगा ना। अगर वोटर इंतखाबी उसमें वहां पे उसमें नहीं पहुंचता पोलिंग स्टेशन पे और वोट निकलता है, सवाल तब होगा। अगर वोटर पीटीआई के पोलिंग स्टेशन की बात मैंने मान ली, सारी निकल रहा है वो नून का, फिर सवाल वोट को इज्जत। नहीं, अब एक मिनट, नहीं मुझे भी तो बात करने देना, होगी टाडी गल। नहीं नहीं, इतनी वोटर नहीं निकलेगा, मियां साहब जीत जाएंगे, लेकिन असूल की बात देखिए, असूल ये है, सुन लेना, मैं सवाल का सवाल पूछो, जवाब तुसी देना जी। वोट को इज्जतों का मतलब क्या है कि मैं यानी नवाज शरीफ, वो बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, जो भी आपने अपनी कैंपेन करें, अपने उम्मीदवार खड़े करें, जिसको लोग वोट डाल दें वो जीत जाए, वो करके क्या है? वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांग रहे हैं। कल मियां जवेद लतीफ साहब कहते हैं हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि इमरान खान को फांसी पर नहीं लड़ा और हमें कुड़ी का रिश्ता नहीं देता उन्होंने। ऐ दो मुश्किलात रह गई है कि एक इमरान खान को फांसी को और लड़की का रिश्ता, तो तब जाके लेवल प्लेइंग फील्ड। बात कर रहे थे ना जज्बाती वाबस्तगी बल्ले के साथ, इट इज नॉट, मैं आपको बताता हूं, ड्यू जवाब तो लेने देना यार, व्हाई डू यू नहीं बात कर रहे हैं, गलत को गलत कहना जज्बाती, तो मैं अपना जवाब, आपने मुझसे सवाल पूछा, जवाब दो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की ये लोग बातें करते हैं, और काशिफ अब्बासी ने साफ साफ आमिर इलियास राना से कह दिया कि जी नून लीग जो है वो किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है कि उसमें इमरान खान को फांसी दे दी जाए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। और जिस तरह से अब ये लोग लोटे घुसा रहे हैं अंदर, सारा कुछ कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि ये लोग थूक इमरान खान का थूका चाट रहे हैं, यानी कि इनका अपना वोटर नहीं था, अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इमरान खान की, ये उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मंडियां लगा रहे हैं, ये इन लोगों की औकात है। और आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं कि मियां साहब ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मियां साहब ने ये नहीं किया। और भाई इमरान खान को देखें, अब भी उनको ऑफर्स आ रही हैं कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा जी नहीं मैं जेल में ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर बैठे मेरा मैंडेट चाहिए, मेरे केसेस यहाँ पे बैठे ख़त्म हो तो उसके बाद मैं जाऊँगा। हाँ, ज़बरदस्ती शिफ्ट करना चाहिए वो एक अलग बात है, और बाद में कहेंगे जी इमरान खान ने दरख्वास्त दी, इमरान खान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। तो ये आमिर इलियास राना जो ये बेसिकली एक लिफाफा साफ़ी है, और ये हैं तजिया निगार, लेकिन ये ना बोलते हैं इनकी तरफ से, ठीक है, यानी नून लीग की तरफ से। तो इरशाद भट्टी ने भी इसी वजह से इनकी जो है वो अच्छी वाली क्लास ले ली। तो व्यूअर्स, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।